भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। साथियों, आज रजौरी पुंछ इलाके के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े लीडर जनाब मोहम्मद अयूब पहलवान साहब, जो कि बुदल के कोट रंका एरिए के रहने वाले हैं, लंबे अरसे तक इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने बतौर सियासी लीडर काम किया। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में मोहम्मद अयूब पहलवान साहब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा साहब, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत आपको मुबारक है जनाब। बहुत बहुत मुबारकबाद जनाब। इकबाल मलिक साहब से मैं गुजारिश करता हूं, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें। अयूब पहलवान साहब के साथ साथ इमदाद हुसैन मलिक साहब, इकबाल मलिक साहब, इनका वेलकम करें। रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हेल्थ नजीर हुसैन जंगीराल साहब, एक्समैन अहमद दीन साहब और मोहम्मद शबीर खान साहब का भी मैं इस्तकबाल करता हूं भारतीय जनता पार्टी में। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत मुबारकबाद है काजल हुसैन शाह साहब, अगर यहाँ मौजूद हों। मेंबर पार्लियामेंट जनाब मोहतरम जुगल किशोर शर्मा साहब, जाहिर खान साहब, नबी साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद। सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, बहुत अच्छा मुबारकबाद पेश करता हूँ। एमपी साहब, साथियों, मैं भारतीय जनता पार्टी में जनाब मोहम्मद अयूब पहलवान साहब का इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं, और इनके तमाम साथियों का जो जिला रजौरी के कोट रंका एरिया के रहने वाले हैं। मोहम्मद अयूब पहलवान साहब एक बड़ी शख्सियत के मालिक हैं उस सारे एरिया में, और हमें खुशी है कि अयूब पहलवान साहब आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। मैं अयूब पहलवान साहब से गुजारिश करता हूं कि दो अल्फाज आज के मौके पर आपके सामने रखेंगे। शुक्रिया हमारे पार्टी अध्यक्ष रविंदर रैना जी, एमपी जुगल किशोर साहब जो हमारे इलाके के एमपी रहे हैं, इकबाल मलिक साहब और रफीक शाह साहब अभी गए हैं, और मेरे साथ जितने भी साथी आए हैं, मैं अपने दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। 3-4 सालों 17 साल से जिस चीज के पीछे हम पड़े थे, वो जुगल साहब आपकी वजह से और रविंदर रैना साहब की वजह से, इकबाल मलिक साहब की और सब साथियों की वजह से, नरेंद्र भाई मोदी जी का हम सब शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी एक कम्युनिटी को जीने का हक मिला और नया जीवन दान दिया। मैंने एक वादा किया था कि जब हमारा ये हक हमें मिल जाएगा और हम किसी बिना मजबूर मिलत किसी बिना शर्त के रैना साहब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। मैं रैना साहब आपसे गुजारिश करूंगा, आप मुझे बाखूबी जानते हैं, मैं हिंदुस्तान का एक एक्स सोल्जर भी हूं और एक एक्स स्पोर्ट्समैन, इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन रहा हूं। मैं एशिया 81-82 का प्लेयर हूं, मेरे इंडिया के कम 7 गोल हैं और उसी से जेल के 18 साल कंटिन्यू रहा हूं। मैं ये नारा भी लेकर चलूंगा कि जितने भी हमारे नौजवान यूथ है जम्मू कश्मीर का, मेरा आखिरी सांस भी
भारतीय जनता में पार्टी में रहते हुए जम्मू कश्मीर के नौजवान यूथ का एक संदेशा देना चाहता हूं कि मेरे आखिरी सांस में आपके लिए हाजिर है। मेरे लायक स्पोर्ट्स के लिए कोई भी किस्मत कहीं भी हाजिर हो और हाजिर होगा और बिना बेदाग बेदाग बिना किसी लालच के आपकी किस्मत में शामिल रहूंगा। और मैं योगम किशोर साहब आपके अध्यक्ष आपकी छत्र छाया में और रविंदर रैना जी की छत्र छाया में और मेरे बड़े भाई कुहाल साहब की इनकी रहनुमाई में आपके जम्मू कश्मीर का यूथ का हर वर्ग के लिए मेरी जान की प्यार है। मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अयूब पहलवान साहब। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चाइनीज का सिलसिला है और पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो कि खिदमत खलक के जज्बे से काम करती है वही हर एक दरवाजे पर हर एक घर में और हर एक दिल में सबको नजर आएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।